बिसमिल्ल अस्सलाम वालेकुम वेलकम माई चैनल नो डिज़ाइनिंग कैसे हैं आप सब दुआ दो मेरे आप सब खे से होंगे अल्लाह ताला आप सबको अपने जो मान में रखे अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं आज मैं आपको ये स्लीव्स डिज़ाइन बनाना बताऊंगी ये डिज़ाइन आप दामन पर और ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं और ये देखे पहना हुआ ये बहुत प्यारा लगता है ये डिज़ाइन और ये हमने पेपर लिया पेपर की लंबाई है तीन इंच और पेपर की चौड़ाई है हमारी बाजू की इनकी चौड़ाई है सोलह इंच और ये हमने बारीक डोरी ली है जो हमारे शर्ट में कलर थे उस कलर की आप कंट्रास्ट भी ले सकते हैं और ये डोरी मैं आपको पहले निकालने बता दी उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन और एंड स्क्रीन में दे दूँगी और ये हमने पेपर लिया है जिसकी चुड़ाई हमने रखी है डेढ़ इंच और जिसकी लंबाई है दो इंच इसको ऐसे फोल्ड करेंगे फिर एक मरतबा और फोल्ड करेंगे फिर इसके ऊपर इस तरफ से ना ऐसे निशान लगाएंगे एक पॉइंट का ऐसे छोड़ते हुए हल्की सी रेब ले, ले जाएंगे यहाँ से कोना बनाएंगे कोना सा बनाते हुए इस रेब के साथ मैच कर देंगे और ये कोने को खत्म कर देंगे अब इसकी कटिंग कर लेंगे ये पत्ती हमारी बन गई और ये पेपर के बिल्कुल दरमियान में पत्ती को बिल्कुल ऐसे सीधा रखेंगे और पत्ती के चारों तरफ ऐसे लाइन लगा लेंगे अब ये पत्ती का कोना पत्ती के साथ मैच करते हुए पूरे पेपर के ऊपर ऐसे ही बना लेंगे ये शेप कंप्लीट हो गई अब यही पत्ती को ऐसे ये पत्तियों के दरमियान में रखेंगे बिल्कुल सेट करके बिल्कुल दरमियान हो ऐसे शेप बना लेंगे ऐसे बिल्कुल दरमियान हो कोने के साथ कोना मैच हो और ये शेप हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई अब हम ये डोरी लेंगे ऐसे डोरी रख कर जो पहले वाली हमने शेप बनाई थी उसके ऊपर रख कर ना बिल्कुल ऐसे सेट करते हुए कहीं पर भी हमने कोना नहीं बनाना गुलाई में ऐसे सेट करनी है हमने और डोरी के ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है इस डिज़ाइन में कहीं भी हमने डोरी का कोना नहीं बनाना गुलाई करनी है अगर कहीं से भी कोना निकाल लिया या कम या ज़्यादा कर लिया ना हमने यानी कि जो शेप बनाई है उसके ऊपर डोरी ना लगाई हमारे डिज़ाइन की लुक अच्छी नहीं आएगी डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा अब जब ये लगाएंगे इसके साथ ही हमारी पत्ती कंप्लीट होती जाएगी और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले और वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें मेरे चैनल का विजिट करें आपको और न्यू न्यू डिज़ाइन बनने के लिए मिलेंगे अब ये जो दूसरी हमने पत्ती की शेय बनाई थी ना अब उसके ऊपर रखकर हम लगाएंगे एक लाइन रहेगी उसके ऊपर ऐसे डोरी लगाते हुए ये डिजाइन ऐसे हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा जो हमने शेप बनाई थी अब ये देखें डिजाइन की लुक निकल कर कितनी प्यारी आई है अब ये पेपर को हम खोल देंगे निकाल देंगे इसको ये ये मैंने पानी के साथ गीला कर लिया ये पेपर को ऐसे ही निकाल दूँगी यहाँ से थोड़ी सी वीडियो मिस हो गई और ये देखिए हमने पेपर को निकाल दिया अब हम बाजू लेंगे ये देखिए बाजू का कपड़ा हमने ऐसे फोल्ड किया हुआ है डेढ़ इंच आप इसको रेडी भी कर सकते हैं इसको इसके ऊपर ऐसे रखेंगे बिल्कुल कपड़े के किनारे के ऊपर और सिलाई लगा लेंगे आप इनके दरम्यान में अगर आपने सिलाई नहीं लगानी मोती लगा ले मोतियों के साथ इसको ज्वाइन कर लें और ये जो बाजू का कपड़ा नीचे की तरफ हमने फोल्ड किया है इसको हम तरपाई कर लेंगे सिलाई लगाना चाहते हैं तो इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे और ये देखे डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया बाजू की लुक देखे कितनी प्यारी आई है बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लग रहा है और मिनटों में बनने वाला है बस थोड़ी डोरी निकालने में टाइम लगेगा और ये हमने बाजू की फिटिंग कर ली उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो आपने कमेंट्स करके ज़रूर बताना है और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि लाइक करना फ्री है लाइक करने से थोड़ी सी हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और अपना ख्याल रखना दुआओं में याद रखना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए i love these